हेलो एवरीवन, दिस इज सीमा सोनी फ्रॉम ट्यूलिप ब्यूटी सैलून। आज हम बात करेंगे मेकअप के बारे में कि मेकअप किस तरह करें। शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको उसके बारे में बताऊंगी एंड उसके साथ में मेकअप करने के बाद की क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है और उसको हम कैसे क्योर करें। ओके, आज हमारे साथ हैं अनुष्का, मेरी फ्रेंड। आज मैं उनके साथ मेकअप के कुछ टिप्स बताऊंगी उनके स्किन पर और आपको कैसे करना है आपको पता चलेगा। सबसे पहले मेरे पास CTM का प्रोसीजर रहेगा जिसमें मैंने क्लिंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग कर चुकी हूँ मैं। एंड उसके बाद प्रेप क्रीम बहुत ज़रूरी है। जैसे आप किसी भी चीज़ का प्राइमर लगाया जाता है तो ये प्राइमर का काम करता है जो आपकी स्किन को प्रोटेक्ट रखता है। सबसे पहले इसका एप्लीकेशन करना है एंड देन आप उसका बेस बनाना शुरू करेंगे। सो गाइस, आप देख पा रहे हैं आज हमने अनुष्का पर जो मेकअप किया है इसमें आप देखेंगे हैवी कंसीलिंग बेस्ड पूरा बेस बना हुआ है। आई मेकअप किया गया है जिसमें पूरे आई के काफ़ी सारे शेड्स, लाइनर, काजल, मस्कारा, सारी चीज़ें यूज़ हुई है। देन ब्लश ऑन, देन लिपस्टिक शेड। तो इससे क्या होता है, मेकअप काफ़ी हैवी कोटिंग आपके फेस के पोर्स को क्लॉग कर देता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि अगर हम ठीक से मेकअप नहीं निकालते हैं, कई बार क्या होता है, अभी जैसे दुल्हन का सीज़न चल रहा है और काफ़ी हैवी कोटिंग मेकअप एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार दिया जाता है। और शादी के बाद भी लड़की को मेकअप रेगुलरली बेस पे वेयर करना पड़ता है क्योंकि उसे बाहर जाना होता है, घूमने जाना होता है, मीटिंग जाना होता है, लोगों से मिलने जाना होता है। सो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि मेकअप तो हो गया लेकिन अगर हम उसे नहीं निकालेंगे तो हमें क्या क्या चीज़ों की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, तो मैं उसके बारे में भी आपको बताती हूँ। फिर कैसे इस मेकअप को आप घर पे कैसे निकालें वो आपको बताती हूँ। सो जैसे आप प्रोफेशनल आर्टिस्ट से मेकअप करवाते हैं तो उन्हें तो पता है आपके स्किन का ख्याल कैसे रखा जाए, मेकअप कैसे निकाला जाए, लेकिन आप मेकअप यहाँ करवा के रुकते नहीं हैं, आप चले जाते हैं। उसके बाद आप उसको ठीक से निकाल पा रहे हैं या नहीं वो बहुत ज़रूरी है। मेकअप में सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है आई मेकअप। कई बार देखा गया है 10 में से 4 लोगों में ये प्रॉब्लम पाई गई है कि मेकअप करने के बाद उसको निकालने में प्रॉब्लम आता है। मेकअप के जो प्रोडक्ट होते हैं उसके पार्टिकल्स होते हैं वो आँखों में चले जाते हैं जिससे आई इन्फेक्शन, रेडनेस प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। एंड ओवर एक्सेस मेकअप करने से आपको प्री एजिंग प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। सो आप हमेशा ध्यान रखें, स्किन को ट्रीट करें। सो गाइस, 10 में से 6 लोगों में मेकअप के बाद स्किन प्रॉब्लम होने लगती है जिसको ठीक करने के लिए आपको बहुत ध्यान देना है, मेकअप कैसे क्लीन करना है। प्रॉब्लम्स क्या होती है, आपकी स्किन में सेंसिटिविटी, रेडनेस, एक्ने, ओपन पोर्स एंड कई बार झाइयाँ जिसको आप पिगमेंटेशन कहा जाता है उसे होने लगती है। और कई बार ये हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी होता है लेकिन मेकअप अगर स्किन पर रह जाता है तो ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो हम उसे कैसे केयर करें, सी मेकअप रिमूवल से आप मेकअप निकाल सकते हैं लेकिन कभी कभी हमारे पास मेकअप रिमूवर भी उपलब्ध नहीं होता है। क्लिंजिंग मिल्क से निकाला जा सकता है लेकिन वो भी अवेलेबल नहीं होता है। सो हाउ टू रिमूव मेकअप विदाउट एनी मेकअप थिंग्स। ओके, मेकअप तो हो गया है, अब इसको निकालने की टेक्निक, बहुत सारी टेक्निक है। जैसे आप चाहें तो क्लिंजिंग मिल्क यूज़ कर सकते हैं कॉटन में लगा के या अच्छे से मसाज करके, या फिर आप वेट वाइप्स यूज़ कर सकते हो, ये भी एक बाहर की टेक्निक है। मेकअप रिमूवल सबसे बढ़िया टेक्निक है लेकिन हम क्या करते हैं, इन सबसे हटके होम जो आपको घर पे इजीली मिल जाए उसमें हम जाते हैं। आई हैव टेकन अ कोकोनट ऑयल, प्योर कोकोनट ऑयल, जिसको मैं थोड़ी सी क्वांटिटी में अपने हाथ में लेती हूँ एंड ऑल पोर्शन ऑफ फेस मैं इसको लगाना शुरू करूँगी। बहुत ही जेंटल मसाज सो मैं इजीली अपने मेकअप को निकाल सकूं। आप देख रहे हैं पूरा मेकअप फैल गया है, बस उसको अच्छे से रब करके निकाल देना है। आप चाहें तो इसको कॉटन के थ्रू निकाल सकते हैं या एक छोटा फेशियल नैपकिन गर्म पानी में डिप करके लीजिए एंड
एक ही बार में आप देखेंगे पूरा मेकअप निकल चुका है। आईज ओपन, एंड देन स्किन के अकॉर्डिंग टोनर स्प्रे करेंगे। अगर आपके पास टोनर ना हो तो रोज वाटर या आईज का यूज कर सकते हैं। टैपिंग एंड देन मॉइस्चराइजर according to skin। So ये टेक्निक है आप अपने स्किन की पोस्ट मेकअप केयर कैसे करें। ओके अनुष्का, से हाउ यू आर फीलिंग। मेरा यही संदेश है, मेकअप करें लेकिन उसके बाद पोस्ट केयर जरूर करें, फेशियल कराएं, स्किन नरिश्ड रखें, विच इज़ वेरी नेसेसरी। थैंक यू।